सीएम योगी ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन लोगों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण सरकार की विशेष प्राथमिकता में है, इसलिए पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए समाधान तुरंत किया जाना चाहिए और संतुष्टिपरक तरीके से होना चाहिए। मंदिर में जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना गया। साथ ही सबको आश्वस्त किया गया कि किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सबकी समस्याओं का समाधान हर हाल में किया जाएगा। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची। कुछ की शिकायत थी कि दबंग उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। साथ ही जमीन कब्जाने में पेशेवर प्रवृत्ति वालों को भूमाफिया के रूप में चिन्हित कर सख्ती किए जाने की बात भी कही गई। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे जो नजीर बन सके। जमीनी विवाद का समाधान तत्परता से इस तरह होना चाहिए जिससे पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट दिखे। प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया गया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित होना चाहिए। गोरखपुर से जनमत न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।